अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है नसर बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो आज हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो पाइप के संबल्स के बारे में है। ठीक है, चांद एक छोटे से जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है आप इसको देखेंगे तो आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मंशूर लेकर के चला हूँ कि जो है हम जो बुनियादी चीज़ें हैं वो लेकर के इंशाल्लाह जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो जो सारा निज़ाम मतलब जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं जो है ना साथ साथ में आपको वो चीज़ें दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले समझने की हैं। तो हमको जो जैसे हम बाहर के मुल्कों में इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह के डिफ़िकल्ट सवाल हमारे ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, तो बाज़ अवकात वो सिंबल्स के बारे में भी हमसे पूछते हैं कि भाई ये किस चीज़ का सिंबल है, सिंबल किसको कहते हैं, जैसे अलामत अलामतें या निशानियाँ। तो ये चंद एक मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये NPS। ठीक है जी, NPS किसको कहा जाता है? NPS इसका जो फुल फॉर्म बनेगा वो बनेगा नॉमिनल पाइप साइज। ठीक है, नॉमिनल पाइप साइज वो मैं आगे जाकर के आपको समझाता हूं कि नॉमिनल पाइप साइज क्या होता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ड्राइंग में कहीं पर उसने दिया हुआ होता है TOP। ठीक है जी, वो जो है उसने पूरा नहीं लिखा हुआ होता लेकिन लिखा हुआ होता है TOP। TOP का क्या मतलब है? TOP का मतलब है टॉप ऑफ पाइप। ठीक है जी, TOP मतलब टॉप ऑफ पाइप। TOP मतलब टॉप। ठीक है जी, ऐसे ही आगे चल के BOP। BOP का क्या मतलब है? बॉटम ऑफ पाइप। अच्छा, तो ये यहां पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है। COP TOP ऊपर ऑलरेडी गुजर गया है, ये COP। ठीक है जी, इसका मतलब है सेंटर ऑफ पाइप। ठीक है, अच्छा ओडी। ओडी जो है ना पाइप में मतलब बाज़ूकात उन्होंने ड्राइंग में OD दिया होता लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है आउटर डाया। और IT ये जो है जो पुराने दोस्त हैं उनको तो जो है वाज़े तौर के ऊपर मालूम है और जो नए दोस्त हैं उनको जो है ना इस चीज का पता होना चाहिए कि आईडी जो है वो इन डायर को कहा जाता है, इंटर डायर। जो मैं आपको अभी बताता हूं, इंटर डायर। ठीक है, आगे आ गए CF। CF किसको कहा जाता है? ये सर्कमफ्रेंस। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं सर्कमफ्रेंस किसको कहा जाता है। सर्कमफ्रेंस, अच्छा ये तो सिंबल्स हो गए जो चांद एक मैंने आपको बताए, बेसिक सिंबल्स जो होते हैं। ठीक है, बाकी और जो सिंबल्स आएंगे आगे जैसे वाल्व के हो गए, सपोर्ट्स के हो गए,
ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट फिटिंग के हो गए, वो सब भी मैं इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाकर के आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको वाजे पता चलेगा कि जो है वो वाले संबल्स कौन है। लेकिन इनका जो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, तो आदमी को पता होना चाहिए कि भाई ये इनका फुल फॉर्म क्या है। बात जो इंटरव्यू लेते हैं खसूसन वो लोग ये तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी सी हम पाइप की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़मीन होती है या कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे अभी मैं हूँ, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुझे कान दिए हैं, नाक दिए हैं, ठीक है, नाक दिया है, कान दिए हैं, आंखें दी हैं, ये प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे आप घर बनाते हैं, घर में फिर एक किचन होता है, फिर एक मतलब कमरे होते हैं, ठीक है, वो आप उस तरह की मिसाल ले लीजिए। ऐसे पाइप की भी वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे पाइप का आईडी, ये देखिए मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है जी, आप इसको देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक, पाइप के अंदर से अंदर तक। अभी जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम साइट से जो है वो छोटे से पाइप का कोई टुकड़ा लेके आऊंगा, तो जैसे जो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें मजीद और आपको जो है वो समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आईडी आ गया, ठीक है जी। फिर यहाँ से लेके ना ये जो बाहर का ये वाला कोना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका आईडी हो गया, और ये वाला आउटर डाई हो गया। अच्छा, फिर आगे जो है पाइप का सर्कमफ्रांस, सर्कमफ्रांस किसको कहा जाता है, ये जो मैंने आपको अभी लिख करके दिखाया है सीएफ सर्कमफ्रांस। देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, यहां से फॉर एग्जांपल, तो ऐसे हम जैसे ही घूम के आते हैं, जब इस एंड पॉइंट के ऊपर आते हैं ना, तो ये मतलब सर्कमफ्रांस हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात की, इसको सीएफ कहा जाता है, सीएफ मतलब सर्कमफ्रांस। फिर आगे पाइप का रेडियस, रेडियस किसको कहा जाता है, ठीक है। रेडियस जो है ना किसी भी चीज का मतलब, ये गोल चीज है ना, अभी इसकी जो गोल लपेट है, मतलब गोल लपेट जो होती है उसको रेडियस कहा जाता है, ठीक है। चाहे वो आपकी जो है वो जमीन पे कोई दायरा लगा है, उसका जो बड़ा मतलब जो बड़ी लपेट होगी उसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है जी। ये भी पाइप के उसमें शामिल होता है, मतलब प्रॉपर्टी में शामिल है। फिर पाइप का अपना वजन होता है, ठीक है, वेट होता है, वो भी पाइप की जो है वो प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी नॉमिनल पाइप साइज ये कहाँ पे होता है, मतलब इसका जो इंडिकेट करता है ना, ये ओडी और आईडी के सेंटर से जो है ना, ये यहां से हमको इंडिकेट करेगा जो नॉमिनल पाइप साइज होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज तक आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो जो दोस्त मतलब जो नए हैं वो इस चीज़ को जो है वो जहन नशीन कर लें, इंशाल्लाह जो आगे वाली आने वाली वीडियो है तो फिर इन चीज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो फिर जो है आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिलाल फैब्रिकेशन को